समांथा हकिनेनी साउथ इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, जिनकी फिल्मों को इंडियन ऑडियंस देखना बहुत ही पसंद करती है। कमर्शियल फिल्मों से शुरू करने के बाद समांथा ने काफ़ी सारी हिट मूवीज़ में काम किया, लेकिन इनको इंडस्ट्री में पहचान इनकी वेब सीरीज़ के बाद मिली है। करंटली समांथा द फैमिली मैन के दूसरे सीजन में नज़र आईं। समांथा को उनके फैंस उनके हिंदी डब्स की वजह से भी मिले हैं। उनको उनकी फिल्म सुपर डिलक्स से भी कुछ फैंस मिले हैं। उनके स्ट्रॉन्ग रोल्स करने के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर काफ़ी बढ़ गई है। हम आपको समांथा की लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। समांथा चेन्नई में बॉर्न हुई हैं और उनकी स्टडीज़ भी वहीं से हुई है। उन्होंने बीकॉम में ग्रेजुएशन की है। वह ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी स्टडी करना चाहती थी, लेकिन उनके पास इतनी सेविंग नहीं थी, जिस वजह से उन्हें ये गाइडेंस दी गई थी कि वह यहाँ से ही अपनी स्टडी को जारी रखें। समांथा अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर काफ़ी सारे एक्ट्स में परफॉर्म करती रहती थी, जहाँ से उन्हें एक मॉडलिंग कंपनी ने सपोर्ट किया। फिर उन्होंने पार्ट टाइम मॉडलिंग की और उसके बाद से उन्हें काफ़ी सारी कमर्शियल भी मिली, और इसके साथ साथ उन्हें फिल्मी दुनिया में जाने के लिए फिल्मों के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। समांथा को एक एडवर्टाइजमेंट में देखकर सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन ने उन्हें फिल्म मॉस्कोइन कावेरी में कास्ट किया था। ये फिल्म उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन डिलेज की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। इसके बाद उन्हें एक और मूवी में कास्ट किया गया, जो थी ये माया चेस्सेव। ये माया चेस्सेव के लिए समांथा का सिलेक्शन 50 एक्ट्रेस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हुआ था। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है। इसके डायरेक्टर गौतम मेनन हैं, जिनकी फिल्म से हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो ये वही हैं जिन्होंने रहना है तेरे दिल में डायरेक्ट की थी। समांथा की मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और समांथा को इसके लिए बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया था। ये माया चेस्सेव की सक्सेस को देखकर इस फिल्म का रिमेक हिंदी में किया गया था और उसका नाम रखा गया था एक दीवाना था। और जब इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इस मूवी के बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन जब इस मूवी को टीवी और यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया तो लोगों को मूवी काफ़ी पसंद आई। इस मूवी में एमी जैक्सन और प्रतीक बब्बर एक साथ काम करते नज़र आए। समांथा की अगर एक्टिंग इंस्पिरेशन की बात करें तो उनको हॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न भी पसंद हैं। ये वही हैं जिनकी फिल्म ब्रेकफास्ट एट टिफनीज को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि महेश बाबू साउथ इंडस्ट्री के बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर हैं। उनके साथ किसी भी न्यू कमर के लिए काम करना बहुत ही लाभदायक रहता है। ऐसा ही समांथा के साथ हुआ था, जब उन्होंने 2011 की फिल्म डोकड़ू में महेश बाबू के साथ काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। 96 तमिल सिनेमा की बहुत ही एक्लेम्ड फिल्म है, जिसको देखना बहुत पसंद किया जाता है। तेलुगु सिनेमा में भी इसका रिमेक किया गया, जिसका नाम जानू है और इसमें समांथा लीड रोल में है। सुपर डिलक्स में भी समांथा को देखा गया है, जिसमें कि वह फहाद फैसल के साथ नज़र आई थी। फिल्म के लिए समांथा फर्स्ट चॉइस नहीं थी। उनसे पहले बहुत सारे एक्ट्रेस को फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन फिल्म का रोल थोड़ा बोल्ड था, जिसकी वजह से एक्ट्रेस इसमें कंफर्टेबल नहीं थी। समांथा को भी जब इस मूवी की स्टोरी सुनाई गई थी तो उन्हें ये रोल काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन उन्होंने इसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। फिल्म एगा साउथ इंडस्ट्री की हिट फिल्मों में से है, जिसका हिंदी में डब बनाया गया था और उसका नाम रखा गया था मक्खी। ये स्टोरी एक मक्खी के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप इस मूवी के बारे में नहीं जानते तो आपको सुनकर काफ़ी हंसी आ रही होगी। इस मूवी में एक्ट्रेस को एक मक्खी को इमेजिन करके रोल करना पड़ता था, जिसे बाद में ग्राफिक्स के थ्रू लगा दिया जाता था, जो कि इसके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले SS राजामौली थे, जिन्होंने बाहुबली बनाई थी। द फैमिली मैन 2 में समांथा एक
इम्पॉर्टेंट रोल में नज़र आने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि मनोज वाजपेयी जी के साथ काम करना उनके लिए एक ऑनर की बात है। फैमिली मैन 2 उनका हिंदी में किया गया पहला प्रोजेक्ट है। समांथा के करियर में उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि लोग कहते थे कि वह सिर्फ मेल सेंटर फिल्म करती हैं जिसमें हीरोइन को सिर्फ लव एंगल के लिए रखा होता है। ये बात समांथा ने भी मानी थी कि पहले उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वह कोई भी मूवी कर रही थी। लेकिन 2016 से वह अपनी मूवीज़ को लेकर काफ़ी सिलेक्टिव हो गई हैं। उनके एक्ट की काफ़ी तारीफ सुपर डिलक्स और मजली और यू टर्न जैसी फिल्मों में देखने के बाद सुनने को मिलती है। 2019 में आई ओ बेबी फिल्म समांथा की पहली सोलो लीड है, जो कि एक कोरियन मूवी मिस ग्रैनी का रीमेक है। इसमें एक 70 साल की महिला अचानक से अपने यंगर डेज में चली जाती है। इस मूवीज़ का रीमेक हिंदी में भी किया जाना है। समांथा इस मूवी को करने के बाद काफ़ी डरी थी कि लोग उसे लीड रोल में अच्छा मानेंगे या नहीं, क्योंकि चाहे बॉलीवुड हो या साउथ, मेल सेंट्रिक मूवीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। समांथा ये मानती है कि बॉलीवुड में भी ट्रेंड शुरू हो चुका है, जहाँ पर कई यंग फीमेल एक्टर्स को सॉलिड फिल्म दी जाती है। ओ बेबी के हिंदी रीमेक के लिए श्रद्धा कपूर या जाह्नवी कपूर का नाम सामने आया था, लेकिन कई इसमें से साउथ रीमेक मूवीज़ बॉलीवुड में नहीं चल रही, जिसकी वजह से मेकर्स को ये देखना होगा कि उन्हें ये मूवी बनानी चाहिए या नहीं। समांथा इस टाइम तेलुगु इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनका फैन बेस हर मूवी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। उनकी फॉलोइंग इतनी है कि वह अपना खुद का एक टॉक शो भी होस्ट करती हैं, जिसका नाम है सैम जैम। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। उन्हें वहां पर बिग बॉस होस्ट करने के लिए भी बुलाया गया था। समांथा की लव लाइफ की बात करें तो नाग चैतन्य उनके हस्बैंड हैं, जिनके साथ उन्होंने 5 फिल्में की हैं। ये दोनों अपनी पहली फिल्म के दौरान मिले थे और इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस फिल्म में ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, और 2017 में दोनों ने शादी कर ली थी। आपको बता दें कि नाग चैतन्य नागार्जुन के बेटे हैं। समांथा ने कभी भी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि फिल्म्स आर हैपन्ड इन माई लाइफ विदाउट माई चॉइस। वह अपनी करंट जो भी कंडीशन है उसकी बहुत अच्छे से इज्जत करती हैं, और वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अंडर प्रिविलेज फैमिली के लिए रखती हैं। उनका खुद का एक NGO है, जहां पर वह पर्सनली जाकर लोगों की मदद करती हैं। समांथा हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू आदित्य राय कपूर के साथ करने वाली थी। उसका नाम था 80-90-100। एक दीवाना था के डायरेक्टर गौतम मेनन ही इसे डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन एक दीवाना था के फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म को नहीं बनाने का निर्णय लिया गया। फिल्म पुष्पा के लिए भी समांथा को अप्रोच किया गया था, लेकिन उसमें वह पहले से ही अपनी डेट्स द फैमिली मैन 2 के लिए दे चुकी थी, जिसके बाद ये मूवी रश्मिका मंदाना को दे दी गई। अब द फैमिली मैन 2 और पुष्पा, इन दोनों से लोगों को काफ़ी होप है। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों, होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको समांथा की कौन सी मूवी पसंद है और क्यों।